What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to YFL. आज एक स्ट्रीट फूड रेसिपी बनाने वाला हूँ, क्रिस्पी अनियन पट्टी समोसा. तो अनियन समोसा बना रहा हूँ, प्याज के समोसे बनते, एकदम स्पाइसी समोसा फिलिंग होती है और साथ ही में एकदम क्रिस्पी आउटर कवरिंग होती है. इसे ईरानी समोसा भी कहा जाता है. और ये रेसिपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है परफेक्ट फिलिंग बनाना, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ. और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है समोसा पट्टी, जो आज मैं स्पेशली आपको होममेड समोसा पट्टी ईजिली कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ, और उसे स्टोर भी कैसे करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा. उसका प्रोसेस बहुत ही ईजी प्रोसेस है. लेट्स डू दिस. समोसे की फिलिंग रेडी हो गई है. मैंने आज चॉप्ड प्याज यूज़ किया, आप स्लाइस प्याज भी यूज़ कर सकते हो. अलग अलग रीजन्स में जब ये समोसे बनते हैं उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं और भी एक्स्ट्रा. जैसे मेरे घर के पास एक जगह पर मिलता है, वहाँ वटाने ऐड किए जाते हैं, कोई कोई लोग थोड़ा सा गाजर और कैबेज भी इसमें किस के डाल देते हैं. तो कम्प्लीटली और विश, आपको जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डालने आप डाल सकते हो, कोई गलत रेसिपी नहीं है, सारी रेसिपीज सही हैं. ठीक है, पोहा जो हमने इसमें ऐड किया है वो उसका एक बहुत टेक्निकल रीज़न है पोहा ऐड करने का. ये फिलिंग में प्याज जब भी नमक के साथ मिलता है तो वो पानी छोड़ देता है, तो पानी को सोक करने के लिए हमने पोहा डाला है. पोहा बहुत अच्छे से पानी सोक लेता है, इसलिए हम लोग ने ड्राई पोहा डाला है. इसको अच्छे से मसला है कि वो पानी छोड़ दे प्याज और जो पोहा है वो पूरा पानी सोख ले. 5 मिनट के लिए रेस्ट करके रखो, जितना और पानी छोड़ना है प्याज ने वो छोड़ लेगा. और उसके बाद थोड़ा और पोहा डाल के आप कंसिस्टेंसी जो फिलिंग की एडजस्ट कर सकते हो. उतना ही पोहा डालना है जब तक कि आपको फिलिंग जो है वो स्टिकी और बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं लगे, तब आप पोहा डालना ऐड कर सकते हो. पोहा की जो क्वांटिटी मैंने यूज़ की है उससे थोड़ी कम या ज़्यादा पोहा की क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हो. हमारी फिलिंग अभी रेडी हो गई है और नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमें अभी होममेड समोसा पट्टी बनानी है, तो वो प्रोसेस कैसे होता है वो देखिए. अभी समोसा पट्टी का डो भी लगा लिया और उसके डो बॉल्स भी हमने भी तैयार कर लिए हैं. डो लगाते समय एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, एकदम बेसिक सॉफ्ट डो लगाना है.
अच्छे से गूंदना है, कम से कम 10-12 मिनट के लिए आप गूंदेंगे और एकदम स्ट्रेच कर करके गूंदना है। तो आपने देखा होगा मैंने कैसे डो को लिया और एक हाथ से पकड़ रहा था, दूसरे हाथ से स्ट्रेच कर रहा था। वो प्रोसेस करने से मैदे के अंदर ग्लूटेन डेवलप होता है, एक प्रोटीन होता है जिससे लचीलापन मिलता है मैदे को। तो वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर ग्लूटेन डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा, जब भी आप पतली पतली शीट्स बनाओगे समोसा पट्टी के लिए तो फट जाएंगी, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट ग्लूटेन के लिए ही डेवलप करने के लिए उसे रेस्ट करना पड़ता है। तो आप कम से कम मिनिमम इसे 1 घंटे के लिए आप रेस्ट कीजिए डो को, 2 घंटे के लिए भी करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छे से रेस्ट कीजिए डो को। एक बार आपने रेस्ट कर लिया फिर आपने फिर से डो बॉल्स बनाए, डो बॉल्स को भी आपको अच्छे से रेस्ट करना है कम से कम 1/2 घंटे के लिए। जब क्या होता है, आप डो को रेस्ट करके जब भी डो बॉल्स बनाते हैं ग्लूटेन फिर से थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो आटे को आपको थोड़ा सा ढलाना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है कि वो ईज आउट हो जाए, ताकि फिर जब भी आप उसे रोल आउट करेंगे तो वो वापस ऐसे खिंचे नहीं, वापस से श्रिंक नहीं हो। आप कई बार मैदे की रोटी जब भी बेलते हो तो रोटी श्रिंक होते जाती है, उसका कारण ये होता है आपने इनफ रेस्ट नहीं दिया है। रेस्ट देंगे आपकी रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं होगी। तो ये टिप का भी आप ध्यान दीजिए। अभी नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमें कुछ लेयरिंग करके एक स्पेशल तरीके से समोसा की पट्टी को जो बेलना है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, वो तरीका देख लेते हैं। Thank you.
हमारी होममेड समोसा पट्टी रेडी हो गई है। आपने देखा होगा कि इजी है प्रोसेस, दिखता डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा सा इजी है। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। पहली बात तो अराउंड 80-90 शीट्स बन जाती है ये वाले मैदे की क्वांटिटी से, जो काफ़ी हैं, बहुत परफेक्ट भी टर्नआउट होती है। पहली बात तो जो लेयरिंग वाला प्रोसेस है, बेलने का प्रोसेस है, वो ऐसे क्यों बेला हमने लेयर करके, वो मैं आपको समझा देता हूँ। समोसा पट्टी एक तो हमको चाहिए होती है एकदम पतली, उतनी पतली शीट आपको बेलना एक एक करके बहुत मुश्किल है, और काफ़ी सारी शीट्स आपको अलग अलग एक एक करके बेलनी पड़ेगी। तो ये मेहनत थोड़ी सी कम करने के लिए इसे इस तरीके से बेला जाता है। तो आप इसका टेक्निक ये है कि आप एक डो बॉल लेंगे, उसकी थिक डिस्क बनाएंगे, तेल फ्रार लगा के लेयर्स बना लेंगे और फिर इनको एक साथ बेलना होता है। हमें यूजुअली तो आदत होती है चपाती या पराठा बेलने की, तो वैसे ही बेलना है। आप जब भी एक चपाती या एक पराठे के लेयर जितना अगर थिकनेस में से बेल देंगे तो इसमें क्या हो जाता है, 3-4 उसके हिस्से बन जाते हैं, डिवाइड हो जाती है, तो वो थिकनेस जो है वो बहुत पतली हो जाती है अपने आप। तो आपको उतना पतला बेलना नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी जो एक एक पट्टी है, एक एक शीट है, वो अपने आप बहुत पतली हो जाती है। तो इसका ये जो टेक्निक है वो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, दिखती थोड़ी डिफिकल्ट है करने में, लेकिन अब एक बार आप ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगी। मुझे भी पहली बार डिफ़िकल्ट लगी थी, लेकिन मैंने जिस टाइम पहली बार ट्राई किया था, पहली बार में वर्कआउट हो गया था। तो आप भी ट्राई करके देखो, ठीक है। तो ये शीट्स ऐसे बन जाएंगी, हाई फ्लेम पे आपको एक एक तरफ पकाना है 10-15-20 सेकंड के लिए, और फिर वो शीट अपने आप निकल जाती है बहुत आसानी से। और एक बार आपकी सारी शीट्स रेडी हो जाती हैं, तो इसे काटने की बारी आती है। तो आपने आज देखा होगा मैंने एक कार्डबोर्ड का स्टेंसिल बना लिया था, एक कोई भी आप ऐसे स्टेंसिल बना लीजिए, आसान हो जाता है बहुत कटिंग करना, आपकी सारी पट्टियाँ एक जैसी बन जाती हैं। तो मैंने स्टेंसिल रख कर काट लिया था, तो आप भी उस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप स्केल लेकर माप कर भी इसे काट सकते हैं। और एक टिप देता हूँ, जब भी आप बेलोगे इन शीट्स को, आप स्टेंसिल पहले ही रख के देख लेना। आप पहले रख के देखोगे तो क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने रोटी उतनी बड़ी बेली है कि नहीं, क्योंकि आप एक बार कुक कर लोगे उसके बाद उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। आप एक बार एक लेयरिंग कीजिए, बनाइए, स्टेंसिल रख के देख लीजिए, फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू कर लीजिए, आपकी सारी पट्टियाँ एक साइज़ की बनेगी। इन्हें स्टोर करने के लिए थोड़ा मैदा या कॉर्नफ्लावर छिड़क कर आप जिपलॉक बैग में प्लास्टिक रैप करके फ्रोजन कर सकते हैं, अगर कुछ बच जाए तो। मैं सजेस्ट करता हूँ एक बार बनाइए, यूज़ कर लीजिए, थोड़ी जो बचेंगी वो सेव कर लीजिए और वो बाद में आप यूज़ कर सकते हो। 1.5-2 महीने तक रख सकते हो फ्रीज़र में, थॉ करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए 5-6 घंटे के लिए, बर्फ़ पिघल जाएगी, फिर आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें समोसों को शेप कर लेना और उसके बाद फ्राई कर लेंगे, वो प्रोसेस देख लेते हैं। हमारे अनियन पट्टी समोसा, ईरानी समोसा रेडी हो गए हैं और बहुत ही अमेजिंग बने हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं, अंदर फिलिंग भी इसकी बहुत टेस्टी बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई करो। इसमें शेपिंग जो की है मैंने, वो बहुत आसान है करना, मैंने आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, वैसे ही आप शेप कीजिए। खाली इसके जो एंड्स होते हैं वो थोड़े से मैदे की स्लरी के साथ सील कर देने चाहिए, कि फ्राई जब करोगे
तो ऑयल बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा, नहीं तो ये तेल पी लेते हैं। और इसे एक बार आपने तेल में डाल दिया, फिर धीरे धीरे आराम से फ्राई कीजिए, जो अंदर प्याज पकता है उसमें मिठास आ जाती है और वो बहुत टेस्टी लगता है। मैं इसको यूजुअली केचप के साथ खाता हूँ, इसलिए मैंने केचप के साथ ही सर्व किया है। आप चटनी वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पर और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसे लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक्ड दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल अनियन समोसा रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।